ये स्वर्गीय श्री दिनेश्वर साहू जी के सुपुत्र और सामाजिक कार्यों में अभी पूरे सिमडेगा जिला गुमला जिला में बढ़ चढ़कर सभी जगह आगे रहते हैं, इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं आज के इस ऐतिहासिक रास मेला में। जो इस उद्घाटन का कार्यक्रम आप देख रहे हैं, अभी जलेगा रास मेला समिति के ये बहुत सा मेला जो है, जैसे मेला रास मेला ये सब है, यात्रा ये सब हम छोटे नागपुर के संस्कृति के देखा है। यहाँ के आदमी का रखे रहे ना का मनायन कैसे कर सकते हैं, एखन तो बहुत सा साधन है आदमी मनोरंजन कर सिनेमा देखे टीवी देखे, लेकिन उस समय नहीं रहे तो आदमी के मनोरंजन करे के लागे एक साधन भी रहे। और पूर्वज मनक जो रास मेला मनाल जात द्वापर युग से मनाते आवत हैं, तो ये रास मेला यहाँ भी मनाते हैं। आज रास मेला में रोड़े मन जितना उपस्थित आई देखे चाहे यहाँ मनोरंजन करे के लागे, सबसे हमारा आग्रह है, समय तरफ से आग्रह है कि रोड़े मन शांति से रात भर देखो अपन मनोरंजन करो, केकरो से कोई तकलीफ नहीं हो चाहिए। अगर तमाम यहाँ के रास मेला कमेटी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ में इस कार्यक्रम में मेरे पिताजी को आप लोग यहाँ बुलाए थे और कार्यक्रम में बराबर भागीदारी रहती थी, उसी तरह मुझे भी इस बार आप लोग ने बुलाया है यहाँ पर, उसके लिए सबसे पहले मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और तमाम यहाँ पर जलडेगा के तमाम नागरिकों को आम जनताओं को मेरे तरफ से प्रणाम जोहार नमस्कार। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, आप लोगों की तरह ही मैं भी यहाँ पर कार्यक्रम का एंजॉय करने के लिए आया हूँ, मज़ा लेने आया हूँ। रिजरन का समय है इसलिए ज़्यादा नहीं बोलते हुए मैं दो शब्द अपना वक्तव्य को बंद करना चाहूँगा। यहाँ पर हम लोगों की झारखंड की छोटा नागपुर की एक संस्कृति रही है कि हम लोग संस्कृति के माध्यम से हम लोग गाँव-गाँव में मेला लगाते हैं, जतरा लगाते हैं, रास मेला लगता है और अपने संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, ताकि झारखंड से बाहर भी आने वाले लोग हैं वो लोग जानते हैं कि हमारे संस्कृति क्या है। और पूर्व में हमारे वक्ता जी हमारे गार्जियन बोल चुके हैं कि इस मेला का क्या महत्व है। मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप लोगों से नम्र निवेदन करना चाहूँगा, युवा साथियों से आप लोग शांतिपूर्वक कार्यक्रम को देखें और मजा लें, किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।